मेरे कई दोस्त पिछले काफी समय से मेरे से पूछते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि सर कोई व्हाट्सएप नंबर दे दो ताकि हम आपके साथ वन टू वन जुड़ सकें। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप मेरे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और अगर आपका सवाल होगा कि कोई भी जिससे मुझे लगता होगा कि आपको जो है आने वाले समय में फायदा हो सकता है, मैं उसका रिप्लाई भी देने की कोशिश करूंगा। और वैसे भी मैं हर किसी को जो है वो व्हाट्सएप पे रिप्लाई देता भी हूं जब जब मुझे मौका मिलता है, या जिन्होंने भी ऑलरेडी मैसेज किया हुआ है अगर उनको नहीं आया तो आप थोड़ा वेट कर लो, आपको भी मैं रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। अब आप देखिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको पता लगेगा कि कैसे आप थोड़ी सी जो इन्वेस्टमेंट करते हो और उसके बाद भूल जाते हो वो आपको कितनी बड़ी रिटर्न देके जा सकती है। और ये खाली आइसोलेट केस नहीं है, ये खाली इकलौता केस नहीं होगा, ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं जिसमें लोगों ने ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करी और बाद में उनकी उस इन्वेस्टमेंट ने उनको करोड़पति अरबपति तक भी बना दिया। चलिए देखते हैं, करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद एसबी में। क्रिप्टो विद एसबी मतलब बनेगा पैसा। और मैं सुशांत बख्शी, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आज आपके साथ एक नए टॉपिक पे बात करूंगा। और वो टॉपिक है एक ऐसा जिसको देख के आप शायद ये बोलोगे कि बंदे की किस्मत खराब थी, या दूसरी तरफ से आप ये बोलोगे कि वाह क्या किस्मत निकली है। लेकिन दोस्तों जैसा मैं बोलता हूं, इन्वेस्टमेंट कोई भी जो आप अपने फ्यूचर के लिए करते हो तो उसमें आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। और होल्ड एक ये ऐसा शब्द है जिस पे आपको विश्वास रखना पड़ेगा। लेकिन क्या खाली क्रिप्टो हमारी किस्मत चेंज कर सकता है? नहीं, कुछ ऐसी एसेट्स क्लास हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करके भूल जाना चाहिए ताकि आपके पैसे की रिटर्न आपको कुछ सालों के बाद ऐसी नजर आए जैसा कि आप इस वीडियो में देखोगे। अब उससे पहले आपने देखा कि 2 दिन पहले बिटकॉइन दोबारा से डंप हुआ है और साथ में कुछ ऑल्ट काइंस भी हुए हैं। तकरीबन एक वीडियो मैंने 2 दिन पहले पोस्ट किया, अभी भी आपने देखा कल परसों एक हलचल और हुई है और वो दोबारा से हुई है चाइना की तरफ। वैसे आप दोस्तों जिनको फॉलो करते होगे, कई और यूट्यूबर्स को देखते होगे, न्यूज़ को देखते होगे, सोशल मीडिया को देखते होगे, तो सबका एक ही मत है कि चाइना जो है ऐसी हरकतें कई सालों से करता आ रहा है, तो इससे क्रिप्टो मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक है, लेकिन 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 शेर आया, शेर आया, शेर आया, ये कहानी आप सभी ने सुनी होगी। और जब अल्टीमेट आखिरी बार शेर आया तब क्या हुआ, ये भी आपने देखा होगा। चाइना उतना अग्रेसिव नहीं था जितना अग्रेसिव अब है। कभी ऐसा नहीं आपको सुनने में मिला कि आपकी माइनिंग फार्म्स बंद हो गए, इस बार वो सब होते हुए आपको नजर आ रहा है। और आप देखिए स्क्रीन पे ये न्यूज है ब्लूमबर्ग के ही वाले से, चाइना वाइडेंस बैन ऑन क्रिप्टो ट्रांजेक्शन बिटकॉइन टंबल्स, 24 तारीख की न्यूज है। और ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल क्रिप्टो विद एसबी में पोस्ट भी की थी। अगर आप मेंबर नहीं है क्रिप्टो विद एसबी के टेलीग्राम चैनल के तो आपको बनना चाहिए, क्योंकि समय समय पे जो भी मुझे स्पेशल एक्टिविटी नजर आती है सबसे पहले मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूं। और उसके साथ याद दिलवाना चाहूंगा, क्रिप्टो विद एसबी इंस्टाग्राम पे, क्रिप्टो विद एसबी ट्विटर पे, सुशांत बख्शी फेसबुक पे, आपको सभी मीडियम पे फॉलो करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आपकी सहूलियत के लिए, लिंक को सीधा क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप देखिए कि ये जो न्यूज है इसका इंपैक्ट कितना है, कि अगर चाइना से कोई इंपैक्ट आता है तो करेंसीज जो है फौरन टंबल करती हैं। और अगर फ्यूचर में जो मैं बोलता भी हूं, पैसा सिर्फ उतना क्रिप्टो में लगाओ, अगर आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है 100 रुपीज की, 25 रुपए से ज्यादा आपका क्रिप्टो में नहीं लगा होना चाहिए। अगर आप 100 रुपीज क्रिप्टो में लगाते हो तो फिर मैं बोलूंगा आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सिस का, अपने पैसे का फुल रिस्क लेके चल रहे हो, क्योंकि किस टाइम कब क्या हो जाए, किस टाइम कब कंट्रीज जो हैं ये क्रिप्टो करेंसीज के अगेंस्ट एक वार छेड़ दें, और इन्हीं लोगों ने इसको पैदा किया है, यही लोग इसको किल भी कर देंगे, और जब इसकी किलिंग की बात आएगी किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो तब तक थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आपको लेते रहना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट में हो
या अगर आपने ऑलरेडी पीछे से आप इन्वेस्ट करते आ रहे हो और आपके पास अभी प्रॉफिट है, तो आप प्रॉफिट को इसमें रहने दो, अपनी एटलीस्ट ओरिजिनल अमाउंट जो है वो निकाल लो। तो ऐसा कौन सा असेट क्लास है जिसमें आप पैसे लगाओ तो आपको रिटर्न मिल सकती है? वो असेट क्लास है दोस्तों जो लीगल फील्ड है, जिसमें आप पैसा लगाओगे आपको रिटर्न भी मिलेगी, आपको मुनाफा भी होगा और आपके पैसे बढ़ेंगे भी, और जिसको सभी सरकारों ने मान्यता भी दी है। आप उसी असेट क्लास के साथ खेल सकते हो, उसी फील्ड में पैसा लगा सकते हो जिस फील्ड को सारी सरकारें मिलके जो है हरी झंडी देती हैं, और वो फील्ड है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स एंड शेयर। किसी भी कंपनी का शेयर ले लो, वहां भी पैसे बनते हैं और दबा के बनते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के पैसे नहीं बनते। अगर आपको नॉलेज है, जितना रिस्क आपको क्रिप्टो में नजर आता है उससे कम रिस्क जो है वो शेयर्स में है, अलबत्ता कि अगर आपके पैसे जो है वो सही फील्ड में लगे हों। यहां पे मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगा, जो मैं बोलता भी हूं कि आपको नई कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, अनलिस्टेड कंपनीज में पैसा लगाना चाहिए, स्टार्टअप्स जो इंडिया की आज की डेट में सबसे बड़ी अचीवमेंट है। स्टार्टअप्स आप देखिए कि बड़े प्लेयर्स जितने भी एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो सारे स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, और उनका पैसा मल्टीपल टाइम्स जो है ग्रो करता है, 100 100 200 500 टाइम्स जो है वो तीन तीन चार चार पाँच पाँच साल में जो है ग्रो कर रहा है। तो वैसी फील्ड में आपको वैसे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना चाहिए। लेकिन क्या आपको स्टार्टअप बेनिफिट देते हैं, क्या आपको स्टार्टअप इसकी अपॉर्चुनिटी देते हैं? नहीं, बहुत 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 कम स्टार्टअप्स हैं जो अर्ली इन्वेस्टर्स, जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ये मौका दे रहे हैं। और ऐसा एक स्टार्टअप मेरा भी है, आपने देखा होगा, मैंने समय समय पे आपके साथ शेयर भी किया है, सुपर मोटर्स का। उसमें मेरी कोशिश यही है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो थोड़ा थोड़ा पूंजी लगाना चाहते हैं, थोड़ी पूंजी लगा के अमीर बनना चाहते हैं, तो वो जो है उस स्टार्टअप में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। करना क्या है, वो आप डेडिकेटेड वीडियो है, मैंने लिंक में वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी दिया है, आप वीडियो देख सकते हैं और उस प्रोजेक्ट में जुड़ सकते हैं। और ऑलरेडी जो लोग जुड़ चुके हैं उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। अब आप देखिए दोस्तों, ये क्या रीजन था, एक ये न्यूज है पिछले कुछ दिनों पहले, ये लाइमलाइट में आई तकरीबन 18-20 सितंबर 2021 को। यहां क्या बताया गया, आप हैरान हो जाओगे, ये कोई सज्जन है केरला के रहने वाले हैं, बाबू जॉर्ज वाला भी, इन्होंने कुछ कंपनी के शेयर खरीदे थे और आज शेयर की वैल्यू है 1448 करोड़। जी हां, 1448 करोड़, और शायद इससे भी ज्यादा होगी आज जब ये वीडियो बन रहा है। तो लेकिन इन्होंने किया क्या, पैसे इन्होंने लगा दिए, किस कंपनी में पैसे लगाए, कंपनी थी मेवाड़ ऑयल एंड जर्नल मिल, ये अनलिस्टेड कंपनी थी। जी हां, अनलिस्टेड कंपनी थी। तो इन्होंने अपने कुछ परिवार के सदस्यों के साथ मिलके 3500 शेयर जो है ये मेवाड़ आइलैंड जर्नल मिलके खरीदे। कंपनी अनलिस्टेड थी, कंपनी ट्रेडिंग के कारोबार में थी, तो इनको भी मौका लगा, किसी ने कहा, इन्होंने कहा ठीक है हम भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तकरीबन 1978 में इन्होंने उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करे, और 3500 शेयर मतलब 10 रुपए का शेयर होगा तो 35,000 रुपया इन्होंने जो है उस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा अपने कुछ दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ मिलके। उसके बाद क्योंकि कंपनी अनलिस्टेड थी तो ये उन शेयरों को भूल गए, इन्होंने उसके बाद उसमें कभी ध्यान नहीं दिया। अब इन्होंने उसके बाद क्या किया, अपना कारोबार भी चेंज कर लिया, ये जिस बिजनेस में थे उस बिजनेस से ये निकल गए, तो दूसरे बिजनेस में शिफ्ट हो गए, पेस्टिसाइड के बिजनेस में। अब बट वॉट आफ्टर दैट, जब ये शिफ्ट हो गए तो इनके ध्यान से इस कंपनी के शेयर निकल गए कि हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी किए थे, और जाहिर सी बात है छोटी सी इन्वेस्टमेंट अगर 35,000 उस टाइम के हिसाब से देखो तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, क्योंकि कुल कुछ लोगों की इन्वेस्टमेंट थी तो शायद ये थोड़े पैसे इनके लिए रहे होंगे। जैसे मैं आज आपको बोलता हूं कि 5,000 10,000 10,000 से ज्यादा, 15,000 20,000 से ज्यादा रिस्क मत लगाओ। अगर आपका सपना बड़ा है तो आपको 50,000 1,00,000 रुपए का रिस्क लगाना चाहिए। जी हां, आपको लगता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन मेरे को पता है कि क्या हो सकता है। मैं स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट के साथ अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है तकरीबन 23 ईयर्स का, मैं वो एक्सपीरियंस साझा करके कह रहा हूं कि ये जो ग्रोथ है
आने वाले टाइम में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी काफी अच्छी रहने वाली है, और अगर आपने कहीं अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ, उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ जिसमें आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड हैं, तो आपका पैसा उसी स्पीड से ग्रो करेगा। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया, लेकिन उसके बाद मेवाड़ आइलैंड जर्नल मिल्स ने जो है अपना नाम चेंज कर लिया। और वैसे भी आपने जब बेटे को इन्होंने बिजनेस हैंडओवर किया, तो ये बोलते हैं 2014 की बात है कि इनके बेटों ने पुराने डॉक्यूमेंट निकाले होंगे, उसमें उन्होंने देखा कि उनके पास एक कंपनी है मेवाड़ आइलैंड जर्नल मिल, उसके शेयर हैं। तो जब इन्होंने खोजबीन की, छानबीन की, तो पता लगा कि वो कंपनी पीआई इंडस्ट्रीज में चेंज हो चुकी है। जब इन्होंने फर्दर छानबीन की, तो पता चला कि पीआई इंडस्ट्रीज जो है उसका शेयर आज की डेट में 3000 से ऊपर है, और इनके जो वो 3500 शेयर्स हैं वो लाखों शेयर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। फिर इन्होंने कंपनी से कंटेक्ट करने की कोशिश की, जिन जो कंपनी का डीमैट अकाउंट है वहाँ पे उनके पास गए, जो प्रॉपर एजेंसीज हैं उनसे कंटेक्ट करने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि ये शेयर एग्जिस्ट नहीं करते। फिर इन्होंने कंपनी के साथ बात की, तो कंपनी भी पहले आनाकानी करने लगी। फिर कंपनी ने अपने दो डायरेक्टर्स को इनके घर भेजा, और उन्होंने पाया कि शेयर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, लेकिन कंपनी में इंटरनल कोई जो उनके चार्टर अकाउंटेंट हैं उन्होंने शायद कोई चलाकी की होगी, तो शेयर अपने रिलेटिव्स के नाम पे ट्रांसफर कर दिए होंगे। जब उन्होंने देखा कि इतने सालों से इसका कोई आदमी आगे नहीं आया, बट आफ्टर दैट अब कंपनी इन्होंने क्या है, सेबी को लिखा है, और देखते हैं, इन्होंने लिखा है कि सेबी को लिखा है, लेकिन वहां पर कंपनी अभी आनाकानी कर रही है, लेकिन इनको पैसे मिलेंगे। ये मैं बता दूं, कंपनी जितनी मर्जी आनाकानी करे, लेकिन इनकी जो पेमेंट है आज नहीं तो कल इनको मिलेगी। अब इसको कई आदमी बोलेंगे कि इनकी किस्मत खराब थी कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी और आज इनके हाथ में कुछ नहीं है। वही मेरे मुताबिक इनकी किस्मत खराब नहीं थी, इनकी किस्मत अच्छी थी। किस्मत अच्छी होने के साथ इनका खुद का कन्विक्शन था, जो इन्होंने मेवाड़ आइल पे जो है विश्वास करते हुए 3500 शेयर खरीदे थे। अगर उस जमाने में आप देखो तो 35,000 रुपए का रिस्क बहुत ही कम आदमी लेते होंगे, 1978 में अच्छी खासी वैल्यू रही होगी 35,000 रुपीज की। लेकिन उसके बावजूद अगर इन्होंने अपनी 2-4-5,000 की कंट्रीब्यूशन की होगी, तो आज वो कंट्रीब्यूशन इनको जो है करोड़पतियों की फील्ड में शुमार करने में सहायक होगी। तब शायद ये 3,000-5,000 इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया होता, आज इनकी फैमिली के ये गोल्डन डेज नहीं आते। आज इनकी फैमिली ये नहीं कह सकती कि हमारे पास इतने करोड़ रुपए के शेयर हैं। तो कई बार आप जीते हो अपने लिए, और यही बात मैं आपको कहता हूं, लेकिन अगर आप उस फील्ड में पैसा लगाते हो 100%, अगर आप ये सोचते हो कि आपको क्रिप्टो बेनिफिट देगा, तो दोस्तों क्रिप्टो में फिर रिस्क है। आपने देखा, मैं आपके साथ टाइमली वीडियो शेयर करता हूं किस टाइम कभी कोई सरकार आगे आ जाती है, कभी कोई सरकार आ जाती है, लेकिन स्टॉक्स शेयर्स ये एक लीगल फील्ड है, लीगल तरीके से कारोबार होता है, लीगल तरीके से आपको इनकम दी जाती है। और अगर आप अपने फ्यूचर के लिए थोड़े से पैसे जैसे इन्होंने इन्वेस्ट किए थे वैसे इन्वेस्ट करोगे, और उस पैसे को अगर भूल जाओगे, तो यकीन मानिए बहुत अच्छा रिटर्न, बम्पर रिटर्न आपको जो है आने वाले समय में मिल सकता है, और हो सकता है आपके बच्चे की जो जिंदगी है वो कहीं से कहीं जो है टर्न अराउंड ले जाए। दैट इज द ओनली रीजन कि मैं आपको बोलता हूं कि अपने पैसे को आपको इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, जो अगर आपने रिस्क लेना है तो आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ओनली 25% होनी चाहिए, ज्यादा रिस्क लेना है 50% होनी चाहिए, लेकिन 50% सेफ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और वो इस सेफ इसलिए होनी चाहिए ताकि आपका पूरा, अगर आपने 100 रुपया लगाया तो 100 पूरा ना डूबे, अगर डूबे तो आपका 3-4 जगह आपने अगर बाइफरकेट करके लगाया तो किसी एक जगह से जो है आपको रिटर्न आना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो को देख के अब आपकी आंखें खुली होंगी, आप खाली किस्मत को जो है वो अपनी दोष नहीं दोगे, आप क्या करोगे, अच्छा स्टेप, वो स्टेप जो आपके परिवार के लिए सहायक होगा, उनका फ्यूचर बनाने में सहायक होगा, वैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को आप आने वाले समय में रूट करोगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रहता है, कुछ जिज्ञासा रहती है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। ये वीडियो मैं यही खत्म करना चाहता हूं, इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।